हेलो होम कुक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक फ्यूजन रेसिपी, क्रिस्पी मोमोज। इसके लिए हमें चाहिए मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लेक्स 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून, तलने के लिए तेल, नमक स्वादानुसार, कैबेज 1 कप, गाजर 1/2 कप, प्याज 1/2 कप और काली मिर्च पाउडर। एक पैन में तेल गर्म करें। अब उसमें कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई कैबेज और बारीक कटा हुआ गाजर मिलाकर उसे कुछ देर के लिए सौते करें। जब ये मिक्सचर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें नमक और काली मिर्च डालकर कुछ देर के लिए पकाएं और स्टफिंग तैयार कर लें। जब स्टफिंग तैयार हो जाए तो एक बोल में मैदा लें और 1/2 टीस्पून नमक डालकर उसे थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर एक नरम आटा तैयार कर लें। जब आटा तैयार हो जाए तो आप उसे गीले कपड़े से ढककर करीब 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक लोई लें और उससे बड़ी सी रोटी बेल लें। उस रोटी में से छोटे छोटे गोले काट लें कटर या छोटे कटोरी की सहायता से। अब उन गोलों के बीच में स्टफिंग डालकर उसके किनारों को पानी लगाकर उन्हें मोमो का आकार देते हुए सील करें। इसी बीच एक पैन में मोमो को तलने के लिए तेल गर्म कर लें। कॉर्नफ्लावर का घोल बनाने के लिए आप कॉर्नफ्लावर, मैदा, नमक और 1/2 कप पानी को मिक्स कर लें और एक बैटर तैयार कर लें। अब उसमें एक एक करके मोमोस को डिप करें और फिर उसे कॉर्नफ्लेक्स से कोट करके कढ़ाई में छोड़ दें। जब वो गोल्डन ब्राउन होने लगे तो आप उसे प्लेट पर उतार लें। आप इसे रेड चटनी या किसी भी डिप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय। ऐसे और चटपटी और टेस्टी रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे फॉलो करें।